वेलकम टू एक्स वाई जेड जॉबलेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका एक्स वाई जेड जॉबलेस यूट्यूब चैनल में, जहां पे मैं आपका दोस्त आज आपको एलसीएम प्रिंट करना सिखाने जा रहा हूं दोस्तों, जो आज का हमारा एजेंडा भी है कि हाउ टू प्रिंट एलसीएम यूजिंग जावा। तो दोस्तों बिना समय गवाए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपने इक्लिप्स आईडीई पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको प्रिंट करा के दिखाने जा रहा हूँ कि हम कैसे एलसीएम प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम एक नंबर लेंगे इंट n1 इज इक्वल टू 5, देन दोस्तों हमने एक सेकंड नंबर लिया n2 इज इक्वल टू 9, देन दोस्तों हमने एक और वेरिएबल लिया जिसका नाम है एलसीएम। दोस्तों आज का जो हम टर्नरी ऑपरेटर यूज करने वाले हैं दोस्तों, हम उस टर्नरी ऑपरेटर दोस्तों ये देखिए पहले टर्नरी ऑपरेटर से यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर लिटरल सिग्नल लिखा रखे हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही हमने लिखा हुआ है दोस्तों। देन दोस्तों हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमने लिखा वेरिएबल का नेम एलसीएम इज इक्वल टू n1 इज ग्रेटर देन n2 देन क्वेश्चन मार्क n1 कोलन n2। दोस्तों ये रहा टर्नरी ऑपरेटर। अब हम लगाएंगे वाई ट्रू। दोस्तों हमने ट्रू लगाया कि अगर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ एलसीएम इज divisible by I is equal to 0 and LCM is divisible by दोस्तों n2। दोस्तों यहाँ अगर हम LCM को I से divisible करेंगे दोस्तों, लेकिन I हमने use किया नहीं है तो हमें क्या use किया दोस्तों, हमें number use किया है L1। दोस्तों हमने L1 से divisible किया दोस्तों, then हमने LCM को n2 से divisible किया दोस्तों, एंड जीरो लगा दिए दोस्तों। देखो दोस्तों हमने अब कंडीशन तो लगा दी दोस्तों, अब ये देखिए एस वाई एस टी ई एम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हमने पी आर आई एन टी प्रिंट अब यूज करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे लेटरल्स यूज कर रहे हैं इस प्रकार का जिस हम प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे दोस्तों। तो हमने आपको बता रखे थे आर्गुमेंट्स के लिए परसेंटेज डी दोस्तों, देन हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे दोस्तों जैसे एल सी एम। आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एल सी एम प्रिंट कराया है दोस्तों, देन हमने यहाँ पे लगाया दोस्तों, देन हम दोस्तों यहाँ पर ब्रेक करेंगे। अगर हमारा यहाँ पर हम ब्रेक लगाएंगे दोस्तों जैसे कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से रन करें दोस्तों, देन हम दोस्तों यहाँ पे अपने जो एल सी एम को एक बढ़ाएंगे आगे दोस्तों, देख सकते हैं। देन दोस्तों अब हम अपने उस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही तरीके से है दोस्तों, इसमें कुछ एरर तो नहीं है दोस्तों, कुछ एरर तो दिख नहीं रहा। अब हम अपने प्रोग्राम को बिल्कुल सही तरीके से रन करा के देख लेते हैं दोस्तों क्या हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन कर रहा है दोस्तों। 45 अर्थात दोस्तों जो हमने यहाँ पे नंबर इंटर कराए थे, आप देख सकते हैं कि हमने कौन सा नंबर इंटर कराया था दोस्तों, ये देखिए हमने नंबर इंटर कराया था 5 एंड 9 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 45 होता है। 9 और 5 का एलसीएम दोस्तों 45 होता है, लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पे सिर्फ एलसीएम को प्रिंट कराया है दोस्तों, तो क्यों ना हम तीनों को प्रिंट कराएंगे परसेंटेज एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी दोस्तों। देन हमने यहाँ प्रिंट कराया n1 n2 दोस्तों, अब ये देख सकते हैं। देन अब दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से हो गया है, अब हमें प्रॉपर तरीके से दो नंबर के दिखे नहीं भी दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारे दो नंबर दिखे, लेकिन दोस्तों ये देख सकते हैं 5 एंड 9 का एलसीएम मिल चुका है दोस्तों। दोस्तों ये रहा हमारा एक प्रोग्राम जो हमने किसका यूज करके बनाया है दोस्तों, देख सकते हैं यू के यूज करके हमने इस प्रोग्राम बनाया हुआ है दोस्तों। ये एक तरीका हो गया एलसीएम करने का, टर्नरी ऑपरेट करके। लेकिन दोस्तों एक और तरीका होता है जिसमें हम फॉर लूप का यूज करके भी एलसीएम को प्रिंट करा सकते हैं। पहले हम यहाँ पे एक और वेरिएबल जिसका नाम है GCD
से चलाएंगे दोस्तों प्रोग्राम को, i इज लेस देन आर इक्वल टू a एंड i इज लेस देन आर इक्वल टू b दोस्तों, i प्लस प्लस हमने लगाया दोस्तों। देन हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया क्या कि इफ हमने कंडीशन लगाया इफ n1 इज डिविजिबल बाय i इक्वल टू इक्वल टू 0 एंड n2 इज डिविजिबल बाय i इक्वल टू इक्वल टू 0। देन दोस्तों हमने यहाँ पे g c d में असाइन किया i को। देन दोस्तों हम इस लूप के बाहर आएंगे s y s t m से दोस्तों, हमने यहाँ पे एल सी एम में असाइन कर देंगे किसे दोस्तों, एन वन इंटू एन टू को। देन दोस्तों हम डिविजिबल अलाइन करेंगे जी सी डी से, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन हमने फाइन कर रखा है दोस्तों। प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ दोस्तों, प्रिंट एफ दोस्तों हमने बता रखा है कि जो हम कभी कभी क्या होता है कि जवाब में हम प्रिंट एफ का यूज भी कर सकते हैं, जब हमें कोई लिटरल वेरिएबल प्रिंट कराने को जो डबल साइज का हो तो हम उसमें परसेंटेज डी दोस्तों यूज कर सकते हैं। परसेंटेज डी दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे हम यूज कर रहा हूँ परसेंटेज डी, एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी दोस्तों यहाँ पे आर्क से लिखा हुआ आर्क दोस्तों यहाँ आर्क में डबल क्या हो गया ना एन वन कॉमा एन टू कॉमा एल सी एम आप ये देख सकते हैं सही तरीके से रन कर रहा है दोस्तों। ये देखिए हमारा प्रोग्राम में कुछ कमी है दोस्तों, कुछ लिटरल से कहीं छोड़ रखे हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर लिटरल छोड़ रखा है जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में एरर आ रहा है दोस्तों। इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही तरीके से रन कर रहा है 5.9 कैंसिल दोस्तों। कैसा लगा आपको हमारे द्वारा बताया गया ये दोनों तरीके एलसीएम को प्रिंट करने, अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा शेयर करो लाइक करें दोस्तों। अगर कोई छोटी रह गई नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि हम एलसीएम को और कितने तरीकों से प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको रिकर्सिव के थ्रू एलसीएम प्रिंट करना सिखाऊंगा दोस्तों।